मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। सिंह रौदा सभे के आज मिलवावे जा रहा बानी भोजपुरी के ऐसा सुपरस्टार गायक और नायक से, यहाँ के नाम बा गुंजन सिंह, यहाँ के बिहार के नवादा जिला के रहे वाला बानी। तो आज सबसे पहले बात कर लेवल जाओ बिहार के ही चर्चित कलाकार से कि का कुछ भोजपुरी के लेके यहाँ के नया करे जा रहा बानी। गुंजन जी सबसे पहले कि का कुछ भोजपुरी के लेके नया प्लानिंग है? सबसे पहले दर्शक स्वरूप जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप दर्शक हैं सबके ऊपर हम गुंजन सिंह पैसों के प्रणाम करता नहीं, मीडिया से आप हैं आपको भी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गायक हैं तो सबसे पहले गाना ही गाते हैं और रग रग में गाना बसा हुआ है। और अब हीरो बन गए हैं तो फिल्में बहुत सारी आई है और बहुत सारी आ रही है। तो अभी आने वाली फिल्में हैं हमारी 9mm पिस्टल और ड्रामेबाज और कई फिल्में हैं जो अभी लाइन में हैं। अब बाकी अभी गाना का शूटिंग चल रहा है। का कुछ अंतर नजर आवेला रोड़ा जब एगो गायक एगो नायक बनेला तो लोग की का अपेक्षा रहेला ओकरा से? पब्लिक की अपेक्षा सबसे बड़ा यही रहता है कि हम लोग से खास करके या फिर कोई भी हीरो जब बनता है उसको पर्दा पे हीरो चाहिए पब्लिक को। और हम लोग को इसलिए पब्लिक ज्यादा प्यार करती, गाना से लोग देखते हैं, पहले देखे हैं, इतना देखे हैं मोबाइल में टीवी में, तो उन लोग को लगता है कि नहीं मेरा कोई अपना आया है, मतलब अपने में से लोग से कोई निकल के गया है, तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। रूड़ा बारे में एक बड़ी बात मीडिया में प्रचलित बाकी रूड़ा काफी संघर्ष करके मुकाम पर पहुंचल बनी तो का कुछ जब आज मुकाम मिल गई बते तो गुंजन सिंह के का लगेला कि का और आगे जाए के बाकी अब मुकाम मिल गई? नहीं नहीं अभी हम लोग पूरे जिंदगी सीखना है और कलाकार का कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, कला वो अधूरा ही है। जब भी सेट पे जाते हैं हमारे ये हिंदी के बिग बॉस अमिताभ बच्चन जी तो वो कहते हैं जब भी हम जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, जबकि इतने बड़े कलाकार उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो हम लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं और सीखते हैं और अभी पूरी जिंदगी सीखना है और करते ही रहना है। अच्छा भोजपुरी में जो सुपर हिट हो जाता है, जो स्टार हो जाता, सुपर स्टार हो जाता, ओकरे पर अश्लीलता के आरोप काहे लगाते थे? देखिए अश्लीलता तो हम लोग चाहे जितने भी कलाकार हैं हमारे भोजपुरी जगत के तो फिल्मों में अश्लीलता नहीं आ रही है। और कुछ लोग हैं जो कि गाते हैं उससे सब लोग बदनाम हो जाता है, लेकिन ना हम अभी तक अश्लीलता गाने का कोशिश किए, ना हमारे पवन भैया गाए हैं, ना खेसारी भाई, ना दिनेश जी, जितने भी कलाकार हैं इधर सब अच्छा गा रहे, मनोज तिवारी जी, भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, जितने भी है सब अच्छा गाए हैं। कुछ हो जाता है ना कि तनी मनी ने उन्हें से गौ की आ गए तो सब बदनाम हो गए। अच्छा ये बताइए वो सवाल आवरी रुरा सब पूछ लेता नहीं कि भोजपुरी केकरा बदौलत बा? का कलाकार लोग भोजपुरी के बदौलत बा या कलाकार लोग के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री बता? नहीं नहीं भोजपुरी के बदौलत कलाकार है, कलाकार को बनाता है भोजपुरी, सभी कितने कलाकार को जन्म दिया है तो भोजपुरी है तो हम लोग हैं, चाहे कोई भी एनीबॉडी कोई भी कलाकार हो भोजपुरी है तब तो हम लोग गाए और गा के आगे बढ़ रहे हैं। तो भोजपुरी हम लोग की माँ है इसलिए वो सर्वोपरि। चूंकि रोड़ा गायकी विधा से आई बनी और भोजपुरी भाषा क्षेत्र के नहीं की नवादा जो बातें वहाँ मगही बोलल जा रहा तो कोनो ऐसा गाना जो रोड़ा दिल के करीब हो क्या जो दर्शक लोग से शेयर करे के चाहे दो लाइन चाहे तो गाना के बारे में बताए जो दिल के करीब बा? अभी वो गाना हमार काफी हिट भइल बा, पहला बेरी हम मगही गाना गाए हैं इस बार जी, जो कि काफी हिट चल रहा है कपोलत के झरना जी। तो यह गाना को ही दो लाइन सुना एकदम एकदम। अरे तोरे खातिर अब जीना है रनिया और तोरे खातिर अब मरना गे, कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया और तोरे खातिर अब मरना गे, अचल बिहार नवादा घुमाई बहु तोरा का कोलत के झरना गे। ये गाना भी काफी हिट चल रहा है सारे डीजे पे और इसमें कोई अश्लीलता भी नहीं है। दर्शक लोग जैसा की आवाज के खनक से लगता कि ये कलाकार में दम बा, चलत चलत एगो अब चूंकि चुनाव के माहौल बा, ऐसा चर्चा बा कि आवे वाला विधानसभा चुनाव में गुंजन सिंह नवादा के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से हुंकार भरी है, तो का न्यूज में सच्चाई बाते? भैया हम तो चुनाव लड़ेंगे जब पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे, और अभी
चार पांच साल तक तो अभी तक सोचे नहीं है, लेकिन हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि सबों को आशीर्वाद मिला है जी। और सब क्षेत्र के जनता चाहते हैं, हमारे भी क्षेत्र के जनता चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई आदमी आए जी और वो सांसद रहे जी। तो यह सपना को मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ये सबों का सपना है, इस सपना को मुझे पूरा करना है, क्योंकि मैं आज तक सपना पूरा करते आया हूँ। कोई हमारे उधर लगभग 15 जिला में कोई गायक नहीं था, तो हम सब लोग के देखते थे, कहते थे लोग कि गाना सब गावत हमनी के तरफ क्यों गायक नहीं, खत्म करने चला। फिर मेरा भी ये था, मुझे भी ऐसा लगा, हम 3 साल देवघर पैदल गए, महादेव से आशीर्वाद लिए और इस पर मेहनत किए, तो आज गाने में सफल हुए, फिल्म आई, लोग हीरो सोच रहा था हीरो नहीं है कोई, फिर हीरो भी बने, तो लोग को आशाएं जुड़ते जा रही है। अभी एक और आशा आया है सांसद का, कि हमारा क्षेत्रीय सांसद नहीं, लगभग 15 साल से बाहरी लोग सांसद। मैं सबका सम्मान करता हूँ, जितने लोग भी पहले भी आए हैं अभी भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये अपने क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अपना क्षेत्रीय सांसद आए, तो इसके लिए मैं उनका यह सपना जरूर पूरा करूंगा, पूरी शक्ति लगा के, और पार्टी का जो आदेश होगा किया जाएगा। दर्शक लोग यहाँ के रहनी है गुंजन सिंह, और जितना बातचीत करे में जो लागत है वो नेता के जो परिपक्वता होके के चाहिए यहाँ के बानी में बाटे। तो फिर मिल जाए कोनो और ही सुपर स्टार के साथ, तब तक खाते थे विदा, नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।